नमस्कार, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं टुडे स्टेटमेंट। 11 अप्रैल से शुरू हुए लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में वोटिंग संपन्न हो चुकी है। इस पहले चरण में 20 राज्यों के 91 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है, मतलब 1279 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब ईवीएम में कैद हो गया है। लोकसभा के इस महापर्व में उत्तर प्रदेश का अहम योगदान है और पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीट पर वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। महेश शर्मा को नहीं दिए हैं, ओनली मोदी को दिए हैं। महेश शर्मा के नाम पर एक भी वोट नहीं पड़ता बेटे। एक गर्मी देश के लिए आए हैं कि एक हमारा जो प्रधानमंत्री है वो अच्छा और सच्चा सच्चा रहना चाहिए बस। हमारे को भाई मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, नहीं तो कुछ भी सरकार आए कोई फर्क नहीं पड़ता। नोएडा में गंद रहना है तो रहना ही रहना है। बहुत मतलब प्राइवेट जॉब में बुरा हाल है, स्कूलों में बुरा हाल है, एडमिशन कराने में बुरा हाल है, हर जगह डोनेशन, कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। फैसिलिटीज एकदम ठीक है, अच्छे से उन्होंने लिया सारे वोटिंग कार्ड, आराम से उन्होंने किया वोटिंग, ईवीएम अच्छे से चला सब। आपको यहाँ पे एक अभी हमें पता चला था यहाँ पे एक सेल्फी लेने का वोट दें और सेल्फी ले, तो आपको कोई ऐसी सुविधा मिली? अभी तो नहीं, लेकिन हमने खुद अपने लिए सेल्फी अपलोड भी करी है फर्स्ट वोट के थ्रू, हैशटैग फर्स्ट वोट। वोट दिया हमने। आप और आपको यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी? बहुत अच्छी है, इस टाइम जो है सारा जो है व्यवस्था अच्छी है वोट डालने के लिए। गवर्नमेंट का जो भी प्लान है वो ब्यूटीफुल प्लान, ऐसा नहीं कि किसी चीज़ में किसी को परेशानी हो, सब अच्छे तरीके से वोट डाल रहे हैं। ये नहीं बोल पा रहे हैं। ओ, ओके। ये कोमा में है, कोमा में अभी 4 साल से। और ये वोट देने आए? वोट देने के लिए परेशान है सुबह से कि वोट डालूंगा मैं, वोट डालूंगा। बस ये एडवाइस करूंगी कि अपने घर से निकले एंड वोट करिए, वोट के लिए आइए चाहे कैसे, क्योंकि हमारी या हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट करें। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली लाइन में जो बाहर लगे हैं, गर्मी काफ़ी हो रही है और फैन वैन कुछ नहीं है, और ये होना चाहिए थोड़ा सा, और खासकर जो बच्चे लेके आ रही है महिला उसके लिए एक अलग लाइन होनी चाहिए कि भाई उसको पहले हो जाए। इन सीटों में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर शामिल है। ऐसे में हमारी टीम ने यूपी के गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के नोएडा विधानसभा सीट क्षेत्र पर पोलिंग बूथों का जायजा लिया। कई वोटरों से हमारी बातचीत भी हुई, जहां युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी उत्साहित दिखे। चुभती गर्मी में भी लंबी लंबी लाइनों में लगकर बच्चे, बुजुर्ग, युवा और सब वोट देते दिखाई दिए। कोई अपने बच्चे को ही वोटिंग के लिए साथ ले आता दिखा, तो कोई व्हीलचेयर के सहारे भी आता दिखा। इस दौरान युगांडा में आए एक प्रतिनिधि मंडल ने गाजियाबाद में आदर्श मतदान केंद्र का दौरा भी किया। बता दें ये टीम युगांडा के इलेक्शन कमीशन से आई थी और भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था का जायजा ले रही थी, जिसकी चर्चा पूरे विश्व भर में होती है। ये युगांडा से एक प्रतिनिधि मंडल इसलिए आया था यहाँ पर, वहाँ के मतदाता का जो डिपार्टमेंट है वो ये देखने आए थे कि सबसे बड़ी दुनिया की लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर किस तरह से वोटिंग होती है उसको स्टडी करने आए थे। कितनी देर रुके और क्या क्या उन्होंने देखा यहाँ पर? वो लगभग 15 मिनट यहाँ रुके और यहाँ का बाहर का जो हमने यहाँ सारा सेटअप कर रखा मतदाताओं के लिए वो देखा और अंदर व्यवस्था देखी सारी उन्होंने। इस दौरान राजनगर गाजियाबाद के सेंट पॉल एकेडमी से भी कुछ खास खबरें सामने आई है, जहां 83 वर्ष के रिटायर्ड दिव्यांग लेफ्टिनेंट कर्नल SL शर्मा अपनी पत्नी संतोष शर्मा के साथ वोट देने पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें व्हीलचेयर की कोई सुविधा नहीं मिली। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर 11 अप्रैल को मतदान संपन्न हुआ। गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें आती है, इनमें नोएडा, जेवर, सिकंदराबाद, दादरी और खुर्जा शामिल है। गौतम बुद्ध नगर सूबे की VIP सीटों में से एक है। इस सीट में भाजपा ने एक बार फिर मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा पर दाव खेला है। वहीं महागठबंधन से बसपा के सतवीर नागर मैदान में है, जबकि कांग्रेस से अरविंद कुमार सिंह को मैदान में उतारा गया है। त्रिकोणीय मुकाबले में इस बार भाजपा के महेश शर्मा के सामने पिछले चुनाव में मिली रिकॉर्ड जीत को बरकरार रखने की चुनौती होगी।